कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, गृह मंत्री अनिल देशमुख, मंत्री जयंत पाटिल, छगन भुजबल और मंत्री राजेंद्र शिंगणे, महाराष्ट्र में जनता से लेकर नेताओं तक सभी पर कोरोना अटैक कर रहा है। तो क्या महाराष्ट्र में कोरोना की सेकेंड वेव आई है? क्या इस अटैक के पीछे कोरोना के किसी नए और विदेशी वेरिएंट का हाथ है, या फिर राज्य में कोरोना के मामलों में अचानक बढ़ोतरी के पीछे कोई और वजह है? स्थिति कितनी गंभीर है ये समझने के लिए आप महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को सुनिए। मैं देखूंगा, आते जाते हुए देखूंगा, मेरे जो लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो तीन चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। अब जबकि महाराष्ट्र में मिशन बिगिन अगेन के साथ गाड़ी पटरी पर आ ही रही थी कि कोरोना सर्ज ने फिर से गाड़ी को ब्रेक लगा दिया। चिंता का सबसे बड़ा कारण यह है कि पहले अर्बन टू रूरल ट्रेंड देखा जा रहा था, लेकिन अब महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं और इसीलिए महाराष्ट्र के कोविड एडवाइजर डॉक्टर सुभाष साळुंखे इस ट्रेंड को देश के लिए वार्निंग बेल बता रहे हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है? क्या कोई नया विदेशी कोरोना स्ट्रेन है? एवरी वायरस पर्टिकुलर पैंडेमिक प्रोन वायरसेस के अपने अपने म्यूटेशन नेचुरली होते हैं। दिस इज नथिंग अनयूजुअल। जैसे अभी जो हमारा इंडियन इंडिजिनस वायरस है, इस इंडिजिनस वायरस में भी काफी म्यूटेशन आए हैं। कुछ महीनों के पहले एक एक फैमिली में हमें एक या दो केसेस मिलते थे, आज इस इन डिस्ट्रिक्ट में पूरी फैमिली अफेक्ट हो रही है, विच इंडिकेट्स इन वायरस इस एरिया का जो वायरल पॉकेट्स है या वायरल एक्टिविटी है उसमें डेफिनेटली कुछ बदलाव आए हैं, मगर वो क्या और उसके इम्प्लीकेशंस क्या, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा और ज्यादा। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने भी ब्राजील या साउथ अफ्रीका के कोरोना स्ट्रेन महाराष्ट्र में मिलने की खबरों को गलत बताया है। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे और नासिक जैसे शहरों के बाद विदर्भ के कुछ जिलों में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दरअसल पिछले एक हफ्ते में महाराष्ट्र के पॉजिटिविटी रेट ने 4% से 8% तक छलांग लगाई है, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। 7.9% के साथ दूसरे नंबर पर केरल है। नतीजा यह है कि महाराष्ट्र में कहीं लॉकडाउन है तो कहीं नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। अमरावती में 22 फरवरी की रात 8 बजे से अगले एक हफ्ते तक लॉकडाउन घोषित कर दिया है। यहाँ सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज को इजाजत होगी। तो वही विदर्भ के यवतमाल, अकोला, वाशिम और बुल्ढाना जिले में 5 से ज्यादा लोगों के घूमने पर पाबंदी होगी। नागपुर में बाजार, स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। साथ ही पुणे और नासिक जैसे शहरों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू के ऑर्डर जारी हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने कुछ दिनों के लिए सभी धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शादी के हॉल्स पर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर भारी फाइन लगाने के आदेश दिए हैं। स्कूल और कॉलेजेस शुरू रखने के अधिकार स्थानीय प्रशासन को सौंपे गए हैं। मुंबई में हॉटस्पॉट्स बन रही हजारों सोसाइटीज को सील किया जा रहा है। महाराष्ट्र को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। बाकी देश भी सबक ले, संभल कर रहे। कोरोना से बचने के लिए क्या करना है आप सभी को मालूम है। मास्क, हैंडवॉश और सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा फिलहाल तो कोई चारा नहीं है।